बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी कि आमिर खान ने अपनी पत्नी किरण राव से तलाक लेने का फैसला कर लिया है। जी हाँ, उन्होंने केवल फैसला ही नहीं किया बल्कि तलाक ले भी लिया है। इस खबर की जानकारी खुद आमिर खान और किरण ने एक जॉइंट स्टेटमेंट शेयर करके दी है। बता दें, आमिर खान के इस फैसले से फैंस काफी सकते में हैं। आमिर खान पहली पत्नी से तलाक ले चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने दूसरी पत्नी किरण राव से भी तलाक लेने का ऐलान किया है। आमिर खान और किरण राव ने अपने तलाक की खबर को शेयर करते हुए एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया। आमिर और किरण के तलाक की खबर फैंस के लिए काफी शॉकिंग है। आमिर और किरण ने 15 साल पहले शादी की थी। उन्होंने अब ये खबर शेयर करते हुए कहा है कि हमारे कारोबारी रिश्ते पहले की तरह बने रहेंगे, इसके अलावा हम बच्चों का पालन पोषण भी साथ मिलकर करेंगे। उन्होंने एक स्टेटस शेयर किया है और लिखा है कि हमने 15 साल अपनी जिंदगी में बहुत इंजॉय किया, एक साथ रहे, बहुत हंसे और अपनी लाइफ में नए नए एक्सपीरियंस किए, लेकिन अब हमारी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है जिसमें हम हस्बैंड वाइफ नहीं रहेंगे, लेकिन अपने बच्चे के को पेरेंट्स और एक दूसरे के लिए फैमिली हमेशा रहेंगे। हमने कुछ समय पहले ही सेपरेशन का प्लान किया था। अब सारी फॉर्मेलिटीज जो है वो कंप्लीट हो गई हैं। अब हम अपनी एक न्यू लाइफ शुरू करेंगे जिसमें हम दोनों एक साथ पति पत्नी की तरह नहीं रहेंगे। अब हमारे बच्चे आजाद को हम साथ में मिलकर बड़ा करेंगे, लेकिन एक को पेरेंट्स की तरह। बताना चाहेंगे कि आमिर की इस खबर से सभी सकते में हैं। आमिर खान पहले जहां कहते थे कि किरण राव ही उनकी परफेक्ट लाइफ पार्टनर है, उनका इस तरह से अलगाव हो जाना काफी शॉकिंग है। बताना चाहेंगे, आमिर खान और किरण राव एक दूसरे से लगान के सेट पर मिले थे। उस वक्त दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। उस वक्त रीना दत्ता आमिर खान की पत्नी थी और फिल्म की प्रोड्यूसर भी वही थी। वहीं किरण राव इस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर थी। 2002 में आमिर और रीना का 16 साल पुराना रिश्ता टूट गया और दोनों अलग हो गए। इसके बाद आमिर काफी परेशान थे। एक इंटरव्यू में आमिर खान बता चुके हैं कि लगान के वक्त उनकी किरण राव से अच्छी दोस्ती तक नहीं थी। डिवोर्स के बाद एक बार वे किरण से मिले। एक दिन किरण का फोन आया, उस वक्त वे ट्रॉमा में थे। दोनों ने करीब आधे घंटे बात की। फोन रखने के बाद आमिर को बहुत अच्छा लगा। यह बात उनके अंदर तक बैठ गई कि जब वह किरण से बात करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद ही दोनों ने डेटिंग शुरू की और करीब 1.5 साल लिव इन में रहने के बाद ही उन्होंने शादी का फैसला किया। बताना चाहेंगे, आमिर खान अपनी पहली वाइफ रीना दत्ता को भी बहुत सम्मान देते हैं। किरण राव और रीना दत्ता के बीच भी अच्छी दोस्ती है। रीना उनके परिवार का हिस्सा आज भी है। आमिर और रीना दत्ता बचपन के दोस्त थे और दोनों की लव मैरिज हुई थी। आमिर ने बताया था कि वे रीना दत्ता को बेहद प्यार करते हैं और सम्मान देते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते चल नहीं पाते। और अब किरण राव के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ है।